नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। लंबे समय से शाइन मेंटेनेंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लड़ रहे थे। 2 साल का मेंटेनेंस जो उनका मिनिमम वेजेस था वो तक उनको नहीं दिया गया था। और आज हमारे साथ गीता खानापारे जो सफाई कर्मचारी के हक के लिए अमारन उपोषण पर बैठी है। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, कितने दिन से वो यहाँ पर उपोषण पर बैठी है और कितने महानगर पालिका के अधिकारी उनको मिल के गए हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, कितने दिन से यहाँ पर अमारन उपोषण पर बैठे हैं? आज 4 दिन हो गया मुझे उपोषण पे। तो महानगर पालिका से किसी भी तरीके का आपको जवाब मिला है या फिर कोई मिलने आए हैं आपसे? अभी तक 4 दिन हो गए मुझे, अभी तक कोई आया नहीं मिलने के लिए। लेकिन ये महानगर पालिका ने लिख के दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो 8 महीने पहले लिख के दिया था कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग बैठे थे कि होगा होगा करके, हम बोले कि हो जाएगा करके, इसलिए हमको टेंशन नहीं था कि पुलिस वाले सब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी उसके साथ में। लेकिन 8 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद मालूम पड़ रहा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा पगार भी नहीं दिया जा रहा है। फिर से वही ठेकेदार किसी और अन्य नाम से वापिस से ठेका लेना है, ले रहा है, और हम लोग को फिर से वही, मतलब वही चिंदी चोर की तरह पैसा दे रहा है। और हम लोग को फिर नहीं अच्छा लगा, तो हम लोग ने बोला कि अभी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, महानगर पालिका से जो लेटर आया है उनके ऊपर कार्रवाई करो बस। तो अभी आपकी मांग क्या? अभी फिलहाल तो ये बोल रहे कि मतलब काम चालू है करके, जो एविडेंस वगैरह बोलते हैं कि थोड़ा हम लोग को टाइम दो। और अभी 8 महीना हो गया। हाँ, लेकिन टाइम ही दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कहाँ कुछ कर रहे हैं। हमको तो अभी पगार का तो उम्मीद ही नहीं है, हमारा को खाली इतना ही मांगे उसके ऊपर FIR होना चाहिए। आपके हस्बैंड के ऊपर कुछ पैसे उन्होंने लिए थे, इस तरीके का गुनाह दाखिल कराया था महानगर पालिका के कर्मचारी ने, अधिकारी ने? हाँ, हम लोग को दिया गया था। और वो पार्कर के ऑफिस में, पुजारी के ऑफिस में, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे बैठे और बातचीत किए, तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है करके, तू नहीं दे, मतलब नहीं, मतलब संभलेगा नहीं, हम लोग के बात में आएगा तो सब लोग के रूम खाली कर देंगे, तो है इससे अच्छा थोड़ा सा मतलब लेना देना कर, ख़त्म कर दे, आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वो इन लोग के वजह से फिर हम लोग ने सिर्फ हमारा पगार लिया, किसी का पगार नहीं लिया, सिर्फ हमारा पगार लिया है। और उनको पगार दिया, हमारा पगार दिया, हम लोग ने गए, उसके दूसरे दिन में सब लोग का रूम खाली कर दिया था। उन लोग ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, झूठ बोला हमारे साथ, और सब लोग को रूम खाली कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड को, मतलब बोलते ना, वो पैसा ऐसा लग रहा था कि मतलब सब लोग का मैंने सुपारी लिया हूँ और सब लोग के वजह से, मतलब सब लोग मेरे वजह से नीचे बेघर हो गए। तो अभी बोले कि मेरे को पैसा कुछ काम का ही नहीं है, सब मेरे को हाई दे रहे कि मेरे पैसे लेके बैठे। तो इसलिए मेरे पति नगर पालिका में गए और पूरे पैसे उड़ाए उसने। तो आज नगर पालिका में आपके हस्बैंड जाके आए थे, तो उनको किस तरीके का जवाब मिला है महानगर पालिका से? यही बोले कि मतलब अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, और अभी त्यौहार वगैरह चालू होने वाला, थोड़ा दिन रुक जाओ, तो मतलब उठ जाओ ऑपरेशन में से, थोड़ा दिन दो मुझे, कागज़ वगैरह सब मेरे पास है, हम लोग पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे और फिर आपको नोटिस दी जाएगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक डेट नहीं बताया कि हम इस दिन पे दे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया हम लोग, कुछ नहीं बताया। मेरा तो कहना है, जब आप लोग उधर पैसा दे रहे तो वीडियो निकाले, तो वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट कर रहे आप लोग, क्यों पोस्ट नहीं कर रहे? वीडियो पोस्ट करो ना, हम वही चाहते हैं। आप कौन सा उनका मजबूरी लेके आपने दिया हम लोग का नाम लेके, तो वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे? वो सब वीडियो दिखाओ हमको, CCTV की। हाँ, दिखाना जरूरी है, हम लोग को देखना है वो भी। आप लोग ने कितना मजबूरी किया उनको देने में, तो हम लोग को तो बनता ही है ना, वीडियो तुम दिखाओ सब। नगर पालिका वो क्यों नहीं दिखा रही है, उनके ही क्यों सपोर्ट में जा रहे, हम जैसे गरीब लोग का क्यों नहीं आगे कर रहे? हमारा तो बात ऐसे ही मुद्दा दबा देते। हम लोग जवान जवान लड़की लेके 2-2 महीना बाहर निकाला हम लोग को, बारिश के टाइम में कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा हस्बैंड नहीं है, हमारा हस्बैंड उधर ही जगह पे मरा, उस टाइम में विजय पाटिल ही था ठेकेदार का, लेकिन 1 रुपये मदद नहीं किया। आज भी मैं वही बोल रही, विजय पाटिल था लेकिन 1 रुपये मदद नहीं किया। अब कैसा गुजारा किया हम लोग को ही मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को लेके, लेकिन पगार देने के लिए भी कभी आते ही नहीं है। कैश देते वो तो 300-400-6000 ऐसा पगार देते, क्या मतलब उनका पैसे का? तो ये 300-400 आपका महीने का पगार दे के जाते, वो 6000 देते, 6500, वो भी ठेकेदार नहीं आते, पगार अकाउंट में नहीं देते, कैश दे के जाते सुपरवाइजर लोग के हाथ में, मतलब बिना रिकॉर्ड के। हाँ, बिना रिकॉर्ड के ठेकेदार लोग सामने नहीं आते। अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता था कि ठेकेदार कौन है। अभी ये सब मुद्दे में हम लोग खड़े ना, तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि ये आदमी सामने है करके, अभी तक हम लोग को पता नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा, गीता खानापारे ने क्या बताया है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उनके हस्बैंड के ऊपर,
उनका भी खुलासा उन्होंने करा है। और साथ ही साथ महानगर पालिका के रवि पवार, उपायुक्त रवि पवार ने पत्र व्यवहार करके पुलिस को बोला था कि शाइन मेंटेनेंस के ऊपर कार्रवाई करें। वो जनवरी 2024 को लेटर दिया गया था और आज 8 महीना हो गया है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। और जब ये गए पुलिस प्रशासन से बात करने तो उन्होंने इनको इस तरीके का जवाब दिया है कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए उन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो जब तक एविडेंस नहीं लाएंगे तब तक वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब 8 महीने के ऊपर हो गया है और उनको कितना टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये तो अब प्रश्न बना हुआ है। अब देखना ये है कि शाइन मेंटेनेंस के ऊपर पुलिस प्रशासन किस तरीके से कितने दिन के बाद कार्रवाई करती है। और ये गीता कानाबारे जो सफाई कर्मचारी के हक के लिए आमरण उपोषण पर बैठी है, ये कितने दिन तक बैठी रहती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।